हेलो गाइस, दिस इज आर्यन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आज के इस वीडियो में अपन जा रहे हैं, अभी तो फिलहाल वैसे यार सुबह सुबह यार निकले हैं, और वैसे सुबह नहीं है, सुबह 11:50 हो रहे हैं, और अपन हैं यहाँ रामासीस चौक के पास यहाँ फ्लाई ओवर पर। तो अभी अपन जा रहे हैं इस बाइक को अपाचे आरटीआर 164 भी BS6 को सर्विस के लिए देने जाएंगे। तो वैसे ये बाइक अभी तक चल चुका है 7491 किलोमीटर। तो अभी इस बाइक का वैसे सर्विस होगा, तो वो सर्विस वाला जो आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो वो आपको मेरे सेकंड चैनल मोटो ड्रिफ्ट पे मिल जाएगा। तो चैनल का नेम आ गया होगा स्क्रीन पे, और उसका चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हो। अदरवाइज़ कोई भी बाइक से रिलेटेड आपको वीडियो या फिर से उससे रिलेटेड आपको वीडियो देखना हो तो आप उससे वहाँ पे आप कमेंट्स करो। वैसे यार मैं ये चैनल जो है राइडर आर्यन, वैसे इस पर मैं व्लॉग डालता हूँ जो अपन डेली लाइफ में जो भी होता है और कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं या फिर कोई भी चीज़, अदरवाइज़ लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और अपन पहुँच चुके हैं राजेश TVS। तो यहाँ पे 11 का अपन लोगों ने नंबर लगाया था, तो उतरिए सौरभ भाई। तो सर्विस करवाने से पहले यार सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है इसका सर्विस बुक। तो यहाँ आज शांति क्यों है भाई? मोपेड हाँ, एक नंबर गाड़ी है। कितना है? 80 का स्पीड तो जाएगा, 742 किलोमीटर अभी तक चला है। ये TVS XL100 कंफर्ट है। सौरभ भाई इसका सस्पेंशन एक नंबर है। इस बाइक का एकदम बाइक क्या बोलिए, स्कूटी बोलिए, मिनी वर्जन स्कूटी है। इसका कंफर्ट लेवल नेक्स्ट जोन का है। सर्विस डन हो चुका है, तो लगभग ये टोटल काम ख़त्म हो चुका है, और लगभग मेरे ख्याल से 2000 के आसपास का बिल बनेगा। तो आपको ये टोटल आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इसमें कॉस्ट कितना लगा, और उसके बाद इसका जो क्या क्या चीज़ चेंजेस हुए, और थर्ड सर्विस में क्या क्या चीज़ चेंजेस होते हैं, तो वो सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे सेकेंड चैनल मोटो ड्रिफ्ट। तो आप लोग जाओ वो चैनल भी फॉलो कर लो, और अभी हम लोगों ने रिसेंट उस पर 10K कम्प्लीट किया है, तो आने वाले समय में कुछ और भी उस पर अनाउंस होने वाला है। अभी अपन चलाने वाले हैं TVS का XL100 कंफर्ट। तो यार ये वैसे फर्स्ट सर्विस के लिए आया हुआ है, तो कस्टमर का है, ऑलमोस्ट ये 742 किलोमीटर चल चुका है। तो इसे सौरभ भाई बहुत छोटा लग रहा है, और इसमें किक दिए हुए सेल्फ है। कहाँ है? हाँ ओ है, सेल्फ है। ठीक है, पावर ठीक ठाक है। तो ये रहा TVS XL100 कंफर्ट। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि यार आदत नहीं है ऐसी गाड़ी चलाने का। तो इसमें ब्रेक अपने को देखने के लिए मिलता है, दोनों हैंड में ही है ब्रेक, जिसके कारण मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और ये अभी जस्ट सर्विस हुआ है इसका, तो इतना छोटा बाइक चलाने में मुझे यार रियली थोड़ा वियर्ड फील हो रहा है। तो अपन एक राउंड यहीं पे लगाते हैं, तो ट्रक के पास से घुमा लेंगे। और यार काफ़ी मतलब लाइट वेट बाइक है, कंट्रोल है, इजी टू, यानी कि अगर आपको एक फ़नी बाइक लेना है
जिसमें कि हाँ आप फन कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली ये बाइक ले सकते हो। वैसे ये 100cc की बाइक है, बट काफ़ी पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि ये पावरफुल नहीं है, और कंफर्टेबल भी है। जिन लोगों को मतलब ये थ्रॉटल वाली बाइक चाहिए, जो कि हाँ इजी टू यूज़ हो, गेयर ये सब का ना हो, और थोड़ा बहुत हेवी ड्यूटी भी काम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल वैसे रहता हूँ गाँव में, तो यहाँ पे लोग वैसे ये बाइक ये यूज़ करते हैं। बाइक वैसे नहीं बोलूँगा, ये मोपेड स्कूटी है, मिनी वर्जन लोग यूज़ करते हैं इस पे सब्जी ये सब लाने ये सब के लिए। और ये ब्रांड न्यू बाइक है, और इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाता है ईटी फ्यूल इंजेक्शन। तो ये भी फ्यूल इंजेक्शन ही में ही अब आता है वैसे, तो ये काफ़ी अच्छा बाइक है, और इसका वैसे प्राइस भी कम पड़ रहा है। तो इसके कस्टमर यहाँ पे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि ये एग्जैक्ट कितने प्राइस में लिए, कितने में आप बाइक लिए थे ये ऑन रोड? 75,000 पड़ा था, अराउंड 75,000 के आसपास में ये ऑन रोड पड़ जाता है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये DRL। ओके, तो ये भी DRL के साथ आता है। इसमें वैसे यार आप लोगों को AHO देखने के लिए नहीं मिलता है, इसमें पर्टिकुलर आपको स्विच सब मिल जाते हैं आपको यूज़ करने के लिए। और एक चीज़ इसमें और आपको इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलेगा कि पहले तो ये बाइक था जो किक से स्टार्ट होता था, और अब आप इसे चाहो तो सेल्फ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये रहा, सेल्फ से स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे आपको किल स्विच भी मिल जाता है। क्या है कैमरा, इससे क्या होगा? वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। एक एयर फिल्टर के कारण यार गाड़ी में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो अभी रियर डिस ये सब कुछ टोटल अभी फुल्ली बढ़िया से एकदम मक्खन की तरह यार स्मूथ वर्क कर रहा है, जैसा लग रहा है कि ये ब्रांड न्यू मैं एजेंसी से अभी खरीद करके ले कर आया हूँ, कुछ वैसा फील दे रहा है। ऑल ओवर यार बहुत टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे हम लोग आए थे यहाँ पे, ऑलमोस्ट 11:45 को मैं यहाँ पे आया था, और अब भी हो रहे हैं 3:47, लगभग कुछ इतना टाइम लग गया अपने को सर्विस करवाने में। पर सर्विस एकदम मस्त हुआ है, और अभी इस बाइक को स्ट्रेच करते हैं कितना जाता है। काफ़ी मस्त चल रही है, और वाइब्रेशन यार बिल्कुल नहीं है थर्ड सर्विस के बाद यार। कि इसमें अभी फ़िलहाल जो जो चीज़ मैं चेंजेस करवाया है, मैं भी इसके बाद इंजन हीटिंग इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करूँगा